आपको चरित याद ज्यादा है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी के ऑफिस से मुझे लेटर आया तो आई कॉल माय वन फ्रेंड, वो हैदराबाद से, मेरे पिता चरित याद कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि करीमनगर की तरफ हैदराबाद से। मैंने कहा ओके, बोला क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जा करके वहाँ की धरती को, वहाँ मिट्टी को छू करके अपने माथे लगा। अगर हमारी कोई बात समझ में ना आए तो कोई समझा देगा, किसी को बताना होगा। अरे मैं पार्टी में बहुत पुराना नहीं हूँ, मेरा बीजेपी में अभी 9 साल हुए, 9 ईयर। आई ज्वाइन बीजेपी 2013। इन 2014, 2014 में मुझे दिल्ली से चुनाव लड़ाया गया। मैं दिल्ली का नहीं हूं, मैं तो बिहार उत्तर प्रदेश का हूं। बिहार में मेरा गांव है और उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म हुआ, वहां मेरी पढ़ाई हुई। फिर मैं गाना गाने लगा, मैं सिंगर हूं, आज भी गाऊंगा, आज भी गाना गाऊंगा। फिर मैं गाना गा के फिर मैं एक्टर बन गया, भोजपुरी फिल्म एक्टर। हमारे यहाँ हम लोग तेलुगु फिल्म भी देखते हैं और तेलुगु हीरो जो है सब मेरे बहुत दोस्त हैं, बहुत नजदीकी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं हमारे। कुछ तो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, कुछ लोगों को कभी कभी मिलते हैं हम सब। तो मैं एक दिन सोचा, जब नरेंद्र मोदी जी के बारे में सोच रहा था तो मैं सोचा कि हमें आगे बढ़ के चलना चाहिए और बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। तब सोचा, 2013 में सोचा, क्योंकि हम देश में जहां जाते थे सब करप्शन 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 दिखता था। तो मैंने सोचा कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं कंट्री का, देश का हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। आई एम वेरी गुड सिंगर, आई एम वेरी गुड एक्टर, आई एम अर्निंग मनी, मेरे घर में बहुत खुशहाली है, लेकिन क्या मेरे जो श्रोता है, जो ऑडियंस है, जो उनको सुनती है, जो उनको हमारी फिल्म देखती है, क्या उसके घर में भी खुशी है? तो पता चला वो लोग तो बस हमारी फिल्में देख करके खुश होते हैं, वो हमारे गाने सुन के खुश होते हैं, बट वो बहुत खुश नहीं है क्योंकि सब लोग गवर्नमेंट से बहुत नाराज था और मैं एक्टर था, हमको हर महीने बहुत अच्छी इनकम होती थी, हमारा बहुत नाम होता था, हम जहां जाते थे वो भीड़ लगती थी। तो एक दिन मैंने सोचा कि ये सिर्फ मैं अपने लिए जी रहा हूं, ये काम जो मैं कर रहा हूं सिर्फ अपने लिए। सोचा कि हमें समाज के लिए जीना है, हमें गरीबों के लिए जीना है, हमें करप्ट लोगों को पनिशमेंट देने के लिए जीना है। उसी समय मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मुझे नहीं पता था कि मैं बीजेपी में आऊंगा तो मैं किसी दिन सांसद भी बन जाऊं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए आया। फिर उन्होंने कहा कि तुम चुनाव लड़ो। आई वॉज नॉट रेडी फॉर इलेक्शन, मैं तैयार ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। फिर मैंने एक बार कहा कि नहीं, मैं केवल सपोर्ट करना चाहता हूं, मैं अपना काम करूंगा, गाना गाऊंगा, ये सब, और मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा। तो बाद में उसमें सुषमा स्वराज जी थी, उनको नरेंद्र मोदी जी ने कहा
समझाओ मुझे। तो वो लोग समझाए क्योंकि मैं लड़ना भी चाहता था तो अपने गांव से लड़ता था जहां मेरा गांव था। तो मुझे गांव से नहीं लड़ना, तुमको दिल्ली जाना है। आप समझ सकते हैं ना कि हम रहने वाले बिहार के पढ़ाई किए बनारस में यूपी में और हीरो बन के चले गए महाराष्ट्र में और फिर बोलते जाओ दिल्ली में। तो मैं सोचा कि कैसे मैं करूंगा, वहां तो मुझे कोई जानता नहीं। लेकिन जब मैं गया तो मुझे कोई कुछ नहीं बोला। बोला मनोज तिवारी तुम भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कैंडिडेट हो और हमको जिता करके मुझे नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहा हूं। कौन है नरेंद्र मोदी, क्या है भारतीय जनता पार्टी, ये हमसे ज्यादा आजकल तेलंगाना के लोग चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का शासन आया तो गरीबों के घर में फ्री अनाज भी गया, यहां भी मिला हो। जो गरीब है उसको 5 लाख रुपए का इलाज भी दिया गया पूरे देश के लोगों को, यानी ना रुके हो या लागू नहीं किया। हम लोग पूरे देश में 2-3 राज्य को छोड़ दीजिए, जो 3-4 राज्य वो विरोध करते हैं मोदी जी का। अरे मोदी जी का विरोध करो, गरीबों का क्यों विरोध करो। जो गरीब है अगर उसके घर में किसी की मां बीमार हो गई, उसको 4 लाख रुपया खर्चा हो गया वो तो सड़क पे कर देता है और उनको उनकी चिंता किया। जो बेघर था जिसका घर डूब गया कमजोर था कच्चा था उसका चिंता किया। तो मैं उनके साथ चलने लगा और जिस जिस राज्य में हम लोगों की सरकार बनी बीजेपी की देश के अलावे वो सारे राज्य में आपने अभी चुनाव देखा उत्तर प्रदेश कभी भी रिपीट नहीं हुआ, यूपी में कभी भी सरकार किसी की 1-5 साल रहने के बाद दोबारा नहीं आई, पहली बार आई है तो भारतीय जनता पार्टी के। वहां भी कभी रिपीट नहीं हुआ, एक कोई सरकार बना तो 5 साल बाद लोग उसको बता देते, पर बीजेपी वहां दोबारा आया फिर से जीत गया। गोवा में ऐसा हुआ, वहां तो तीसरी बार चौथी बार आ गए। गुजरात का बता रहे नहीं, गुजरात का तो आप सब लोग जानते। याद तक कि बिहार में भी बीजेपी को तीसरी बार वापस बिहार में जनता लाई, वहां हमारा गठबंधन है। अब जब मैं तेलंगाना में आ रहा हूं तो मैं अपने ड्राइवर से बात कर रहा था जो गाड़ी चला रहा था, मैंने बोला तेलंगाना में क्या चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा हिंदी समझता था। बोला सर यहां का जो मुख्यमंत्री है वो 2 लाख करोड़ का मालिक, इसका बोला 2 लाख करोड़। मैंने कहा कहां से, बोला सोशल मीडिया पे देख, मीन्स की कई लोग लिख रहे। मैं सरप्राइज हो गया, 2 लाख करोड़ इतना में तो 1 साल उत्तर प्रदेश का खर्चा करेगा। तो अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। मैं पहली बार जब चुनाव लड़ा था तो मैं 1.5 लाख वोट से जीता था, 1,50,000। ठीक है ना, अभी ताली बजाया सब लोग। तिवारी 1.5 लाख से जीता, लेकिन जब मैं 5 साल काम कर लिया, लोगों की सेवा किया, तो 2019 में
में मैंने 4 लाख वोट दे दिए और अभी जब हम लोगों का 2024 में चुनाव होगा, मुझे नहीं पता पार्टी हमें लड़ाएगी कि किसको लड़ाएगी। पार्टी हमारी मां, पार्टी जिसको बोलेगी उसी को लड़ेगी और कोई भी लड़ेगा। आपको बताता हूं लेकिन क्या कोई भी लड़ेगा सांसद का चुनाव तो मैं उसको 4 लाख से 10,000 वोट ज्यादा दिलवाऊंगा, ये मेरा विश्वास। मैं पार्टी का अध्यक्ष भी रहा, मैं बहुत आश्चर्य, आप जिला के अध्यक्ष हो, मैं दिल्ली का स्टेट का अध्यक्ष रहा और हमारे जब स्टेट के प्रेसिडेंट रहते हमारे पास 3 चुनाव हुए, 3 चुनाव में 2 चुनाव जीते, 1 नहीं जीता। हम लोग लोकल बॉडी जीते, काउंसलर हमारे बने, हम लोग 7 के साथ सांसद जीत के आए, 7 और जीते थे, हम असेंबली नहीं जीत पाए, उसमें हम अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। वहां पर एक कुछ गेम हो रहा है, उसको हम लोगों को धीरे धीरे हम उसको तोड़ रहे हैं। तो जगत्याग में जिले में जितने हमारे, अब देखो हमसे ज्यादा हमसे सीनियर आप लोग होंगे, आप कितने साल से बीजेपी हो? 40 साल, 30 साल, आप 30 साल, आप 30 साल, आप अच्छी बात है। और भी कोई है जो 30 साल से ज्यादा है? आप भी देखो हमारा नेता नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में, देखो क्या हुआ महाराष्ट्र में, हम लोग शिवसेना के साथ चुनाव लड़े थे और महाराष्ट्र की जनता ने हम लोग को जिता दिया, लेकिन जीतने के बाद उनके जो नेता लोग थे उद्धव ठाकरे, उन लोगों उन्होंने जीतने के बाद भाजपा को छोड़ दिया। पहले बोलते थे कि हम हमारा एजेंडा बाला साहब ठाकरे का एजेंडा है, देखो जो जैसा करता है ना भगवान उसको वैसे ही सजा देता है। आज क्या हुआ वापस, आपको याद है जब 2019 में हमारी सरकार जीतने के बाद भी नहीं बनी और कांग्रेस और उसके साथ मिला के बीजेपी के साथ मिला, तो देवेंद्र फडणवीस ने एक बात कही थी जिला अध्यक्ष जो वहां के सीएम थे, जानते हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने विधानसभा में कहा था कि पानी उतरता हुआ देखकर हमारे कद का अंदाजा मत लगाना, मैं समंदर हूं फिर से वापस आऊंगा। और इसलिए हम लोग ईमानदारी के साथ सबको प्यार से लेते हुए, और सबसे बड़ा बीजेपी के सरकार का पहचान क्या है कभी आप लोगों ने सोचा? सबसे बड़ा परिचय क्या है हमारा? बीजेपी कभी भी गलत को बर्दाश्त नहीं कर सकती और जो सही है उसको किसी स्तर पे नुकसान नहीं होने देंगे, ये भी हमारी पहचान है। तो मेरा कोई आप लोगों से मिलने का कार्यक्रम था
आप सबको मैंने अपने बारे में थोड़ा बताया है, और अभी मुझे जब मैं बीजेपी के लिए काम करता हूँ, हमारे जो एक्टर अभी जो लोग सिनेमा में है ना, वो पूछता है मनोज जी ये तुम दिल्ली से हैदराबाद जब क्या जा रहे हो, तुमको कितना पैसा मिलेगा, ऐसा लोग पूछता है जो एक्टर लोग हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि अब हमें पैसे की जरूरत नहीं है, अब गरीबों के घर में रोशनी कैसे जलेगी इसकी हमें, इसके लिए हम आ रहे हैं। हम फ्लाइट का टिकट भी अपने से लेके आए, पार्टी से हमने पार्टी किराया भी नहीं किया। हैदराबाद से भी आए तो मैं अपनी गाड़ी लेके आया, वैसे आपकी गाड़ी भेजी थी, लेकिन मैंने कहा कि देखो हम सबका कसम है, हम तेलंगाना के गांव गांव जाएंगे, जगह जा के एक एक मोहल्ले में जाएंगे। हम लोग जो बाहर से आते हैं लेकिन हम अपना खर्च करें, ये जो कमल का निशान मेरे भाई के सीने पे है ना, ये ही इसको जिता करके और तेलंगाना को करप्शन मुक्त बना करके, तेलंगाना को बेस्ट स्टेट बना करके हमने देश को दे। अब अगर मैं चाहूंगा कि कुछ आप तो हमसे पूछो, आपका मन करे कुछ लगता हो, कुछ लोग तो मुझे सिनेमा में देखे होंगे, कुछ लोग टीवी पे देखे होंगे, कुछ लोग वो आजकल एक कपिल शर्मा का शो आता है उसमें भी कुछ लोग देखे होंगे जो देख सकते हैं। मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना अब एक पूजा की तरह हो गया, जैसे मैं मंदिर में पूजा करता हूँ। अब देखो हमारे यहाँ एक बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है बनारस में, आपने सुने हो काशी विश्वनाथ। अभी आपने समाचार में देखा होगा एक जगह पे 500 साल से शिव जी के शिवलिंग को उसके ऊपर वो जो विदेशी आक्रांता आए थे उन लोगों ने शिव जी के शिवलिंग के ऊपर मस्जिद बना, आपको पता चला। लेकिन बीजेपी ने झगड़ा नहीं किया, लाठी नहीं उठाया, तलवार नहीं उठाया, क्या किया, हम कोर्ट में गए, कुछ लोग कोर्ट में गए तो हमने उनको सपोर्ट किया। और आपने भी देखा होगा, सोचो अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं प्रधानमंत्री बने होते तो हम भोले बाबा के शिवलिंग का दर्शन नहीं कर पाते आज, इतना बड़ा हमारे ऊपर। तो हम सबका सम्मान भी करते हैं और सबका आदर करते हुए सबको अपने अपने रास्ते पर चलने के लिए लोग शक्ति दे रहे, प्रेरित कर रहे। मैं सत्यनारायण राव जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ, मुझे यहाँ के बूथ अध्यक्ष कौन कौन है, बूथ अध्यक्ष जो कोई बारे वार्ड यहाँ कई वार्ड प्रेसिडेंट थे, लेकिन सारी जब लड़ाई बढ़ते बढ़ते आएगी एक दिक्कत तो किसके ऊपर आएगी, बूथ अध्यक्ष के ऊपर। इसलिए मैं सभी बूथ अध्यक्षों को दोनों हाथ जोड़ करके मेरा नमस्ते नमस्कार है, और आप ही के कारण तेलंगाना में बनने वाली बीजेपी की सरकार, तो आप लोग इसको करना, और कोई आपके मन में कुछ बात हो तो हमसे पूछना। हाँ पूछोगे सर, आप मीडिया से हैं, अच्छा मीडिया से अलग से बात कर रहे हैं, अलग से बात। मैं अपने लोगों से बोला कि किसी के मन में होगा ना कि कुछ अगर मन में आता हो तो ठीक है, नहीं तो मेरी जो बात है वो मैं सत्यनारायण राव जी के पास इतना ही रखता हूं। हमने तो सोच लिया है, मैं अपने जिंदगी में 24 साल तक मैं बहुत गरीबी में था, हमको दोनों टाइम चावल दाल और सब्जी तीनों नहीं मिलता था, दाल जितनी थी तो सब्जी के साथ खाना पड़ता था, कभी चावल और सब्जी
हम लोग चावल और पिकल्स खाते अचार खाते। तो मेरे तरफ से इतना ही है। हम आजकल बहुत खुश रहते हैं। हम मैं खुश इसलिए तो मेरा कि हर पद इस देश की सेवा के लिए जा रहा है। तो आप सब लोगों से आज इतना मुलाकात हुआ, सभी सबके साथ सबको मेरा नमस्कार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और एक नारा हमने लगाया था, नरेंद्र मोदी कारी नायकत्व, नरेंद्र मोदी कारी नायकत्व। अभी आदत हो जाएगी मुझे, अभी जाके दिल्ली में उनको। और हर समय कुछ सीखने को मिलता है ना, कुछ तो सीख लेना है। तो आज मैंने एक, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके जो कार्यकर्ता है, वर्कर है बीजेपी के जिले के, सब बहुत अनुशासन है। वो गाड़ी भी चला रहे थे तो बहुत अनुशासन भी चला रहे थे। और ना दिल्ली में हम ऐसे निकालते हैं तो एक ही जगह सब लड़ा देते हैं आपस में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब मैं चाहे 5 घंटा लगे चाहे 7 घंटा लगे, हाँ बीजेपी की सरकार आएगी तो हम इन ट्रस्टों को ऐसा कर देंगे कि यहाँ हैदराबाद से 2 घंटा में आया जाए। ऐसा धन्यवाद साहब, धन्यवाद।